नीतीश जी आजकल जो है पहुंचे हुए हैं सर दिल्ली, सात शीर्ष नेताओं से बातचीत की है, क्या लगता है? दोनों लगता है, वो भिखारी पूरा दुनिया बिना टिकट के पूरा दिल्ली चला जाता है। हाँ, उसी ढंग से लग रहा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भिखारी तुलना कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कारण क्या है? भिखारी जैसे घूमता है ना, उसे ना घूम रहे हैं ना, उनका अपनी औकात नहीं है। जैसा गठबंधन बिहार राज्य में अभी हुआ है उसके अनुसार तो इसको बिहार में सफाया हो जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है, चाचा भतीजा कुछ खेल नहीं कर पाएंगे बिहार में? चाचा का हाल तो जानिए रहे, जितने 50% लोग यही बोल रहे हैं कि चाचा गए काम से। क्या लगता है कि महंगाई बड़ा कारण बनेगा क्या? महंगाई भी बहुत समस्या है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, जो 2020 में मात्र जिसको 43 सीट आया वो क्या कर लेगा? उन तो राजनीति खेला किए थे। हाँ राजनीति भाजपा किया था। मोदी के सामने नीतीश जो है एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं, सेकुलर चेहरा है। नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं, मोदी नीतीश में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में सात शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। राहुल गांधी से 50 मिनट की लगभग बातचीत हुई, वहीं अरविंद केजरीवाल से 90 मिनट की बातचीत हुई। सात शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई और वो कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। ये बातें कही जा रही, नीतीश कुमार जो है खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे कोई आकांक्षा नहीं है और बीजेपी को चुनौती दे दी कि 2024 में 50 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। इस वक्त हम जो है गांधी मैदान में हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं, बिहार के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ जो है अंकल जी है, वो अखबार पढ़ रहे थे। सर अखबार का जो हेडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ने सात शीर्ष नेताओं से बातचीत की, तो क्या लगता है? बीजेपी को दावा भी कर रहे हैं कि हम 2024 में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 2014 में जो आए हैं वो 24 में नहीं रहेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार के इन तमाम दावों के बीच? हमको तो संभावना लगता है। संभावना लगता है? हाँ। मतलब उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा लगता है कि? जैसा गठबंधन बिहार राज्य में अभी हुआ है उसके अनुसार तो इसको बिहार में सफाया हो जाना चाहिए। बिहार में सफा जाना चाहिए। हाँ, तो इससे उसको क्षति बीजेपी की होगा ना, क्योंकि 40 सीटें यहाँ पर। चालन सिंह तो कह रहे हैं कि 40 सीट में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। मेरा अनुमान भी ऐसे ही है लगभग, यहाँ तो मुश्किल है जितना। लेकिन 2019 में देख लीजिए या 2014 लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अलग होता है, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है तो जो लोग अन्य पार्टी को वोट देते हैं वो भी जाके बीजेपी को वोट दे देते हैं। अरे मोदी से सब लोग आघा रहा है। सबसे भारी समस्या है कि लोग कोई वैकेंसी नहीं दे रहा है बच्चे लोग के लिए, यही सबसे ज़्यादा परेशान है एकदम। इसलिए सब अब मन भर गया, जवान लोग जबरी पूरा तूफान में थे कि मोदी मोदी करते थे। हाँ। और लेबर जो बाहर कमाता था वो भी कहता था, लेकिन अभी कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है उसके प्रति। क्या लगता है कि महंगाई बड़ा कारण बनेगा क्या? महंगाई भी बहुत समस्या है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो है क्या कुछ बड़ा खेल कर पाएंगे? मेरी नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि ये जो है देश का नेतृत्व करेंगे कहीं ना कहीं, तो तेजस्वी यादव की क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह का राजनीति वो करने वाले हैं, उसका असर क्या पड़ेगा? ना असर तो पड़ेगा ही, असली बात है कि गठबंधन में दोनों रहेगा। हाँ। तो असर तो जरूर ला देगा और दूसरा स्टेट में भी इससे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पूरा देश में माहौल बनेगा। हाँ, बन सकता है धीरे धीरे। हाँ हाँ, दो तीन। तो ये जो बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, जो 2020 में मात्र जिसको 43 सीट आया वो क्या कर लेगा? वो तो राजनीति खेला किए थे। हाँ राजनीति भाजपा किया था ऐसा। कौन सा, कैसा राजनीति किया? चिराग मॉडल वाला। हाँ, वैसा मिल के धोखा करे वाला बात। हाँ, पीठ पर खंजर मारने वाले। हाँ, हाँ। इसलिए जो है। हाँ। एक और जो है अंकल जी आ गए, आजकल यूथ जो है वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, लेकिन एक और अंकल जी है उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शर्मा हुआ। नीतीश जी आजकल जो है पहुंचे हुए हैं सर दिल्ली, सात शीर्ष नेताओं से बातचीत की है, क्या लगता है वो रुख बदल पाएगा 2024 का? हमको तो लगता है वो भिखारी पूरा दुनिया बिना टिकट के पूरा दिल्ली चला जाता है। हाँ, उसी ढंग से लग रहा है नीतीश कुमार भिखारी तुलना कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कारण क्या है? भिखारी जैसे घूमता है ना। हाँ। उसे ना घूम रहे हैं ना, उनका अपनी औकात नहीं है, संगठन बना रहे हैं। वैसे तो मोदी जी भी घूमते हैं विदेश। मोदी जी जो घूमते हैं इंटरनेशनल मैटर पर घूमते हैं। हाँ।
देश में नहीं घूमते हैं, घर के मैटर पर नहीं घूमते हैं वो। हाँ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो घूमते हैं ना, चुनाव प्रचार करते हैं। प्रचार क्यों नहीं कर रहे? कहा विपक्षी लोग ये भी कहते, सुन रहे विपक्षी लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री ज्यादा है। प्रधानमंत्री का काम होता है देश के लिए काम करना, लेकिन वो हर जगह घूमते थे। कितने काम में लगे हुए रहते थे प्रधानमंत्री, कितना बार कश्मीर और लद्दाख गए थे प्रधानमंत्री, अब तक के रिकॉर्ड में। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत काम, बहुत काम करते हैं मोदी जी हैं, सियाचिन जाने वाले हैं। सियाचिन जाने वाले हैं, और कोई क्यों नहीं गया? इसके पहले बहुत सारे लोग थे, कोई नहीं गया है? कोई नहीं, मतलब नहीं है गया लोग, कहाँ गिनती में कोई दिखाई दे रहा है? हाँ, पूरा रिसर्च कर लिए इस पे, मतलब प्रधानमंत्री तो ध्यान में तो आ रहा है कि नहीं गया सियाचिन। तो विपक्षी लोग ये कहता है कि 18 घंटा काम तो करते हैं लेकिन कोई भी काम सफल का नहीं होता, महंगाई बढ़ गया है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, एक 15 लाख रुपया का वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपया जब मुद्रा लोन लिया, कितना दिन मुद्रा लोन लिया है और कितना अटल पेंशन योजना, कितना दिन अपने लड़कों को करा दिया, 18 से जाए ना उसमें, अपना भी तो जागरूकता होना चाहिए। उसमें 100 रुपया के एवरेज पड़ रहा है अटल पेंशन योजना पर, तो पैसा कोई पेड़ से तो आता नहीं है, या खेत घास से तो भोजन होगा नहीं, खेती करने से ही भोजन होगा। लेकिन ये कहा था कि अंबानी अडानी का लाखों करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया। किसका? अंबानी अडानी का और जो उद्योगपति हैं। इतना तो वही लोग जाने, इतना तो हम नहीं जान पाते हैं, हम तो फाइल देखेंगे तब ना जानेंगे। हाँ नहीं, डेटा है बकायदा, डेटा है बहुत, सबको अपना अपना डेटा देते रहता है, सरकारी डेटा की बात हम वो नहीं बता। अच्छा, अगर वो है तो क्या कहेंगे, गलत है कि सही? गलत है, अगर है ऐसा तो गलत है। ये भी कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है और आम जनता जो टैक्स देती है उसको ज्यादा कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, सबसे दुखी तो हमको होना चाहिए, हम भी टैक्स भरते हैं, GST हम भी भरते हैं, लेकिन पहले से तौर तरीका से भर लेते हैं अच्छा से। पहले जितना टेंशन था टैक्स भरने में, उतना टेंशन अभी नहीं है। तो क्या लग रहा है, चाचा भतीजा कुछ खेल नहीं कर पाएंगे बिहार में? चाचा का हाल तो जानिए रहे, जितने 50% लोग यही बोल रहे हैं कि चाचा गए काम से, उम्र भी हो गया चाचा का, चाह दिया गया है, चाचा का उम्र हो चुका है जाने का। मतलब 2024 में उनको PM कैंडिडेट बनाया जाएगा और तेजस्वी यादव फिर बन जाएगा। राहुल गांधी क्या करेंगे? इतना दिन से बुजुर्ग नेता है, मान सकते हैं, ऐसा नहीं होता, बुजुर्ग में बहुत सारे लोग हैं और देश के सामने बुजुर्ग नहीं देखा जाता। कहा था कि मोदी के सामने नीतीश जो है एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं, सेकुलर चेहरा है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, मोदी और नीतीश में जमीन आसमान का फर्क है। आसमान जमीन का फर्क, जैसे कुछ एक दो क्वालिटी बताती है? बहुत सारा क्वालिटी है, ये पटना में आपको देख रहे हैं ना, जो कुछ देख रहे हैं आउट एरिया में जाकर देखिए, अभी रोड काल क्या है, बहुत अच्छा सुधार नहीं है। वो मोदी जी से नौकरी मांगते, अपने क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? यहाँ भी पीटा जा, शिक्षकों को पीटा जा रहा है। यहाँ पर इनका नहीं है जिम्मेवारी कि नौकरी दें, हम कोई काम दें, वो ठीका दे रहा था, ये कहाँ ठीका नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर है, तो ठीक है, दिखाई कॉर्पोरेशन में भर्ती करवा दे रहे हैं। नगरकर्मी जो हड़ताल पर है, हड़ताल पर नहीं, हड़ताल के बाद छोड़ दे, उसमें भर्ती हो सकता है आदमी, बड़ा काम नहीं, छोटे काम दीजिए लोगों को। और स्टूडेंट आप 4 बरस के बात कर रहे थे, आप दीजिए ना जीवन भर का काम, 60 बरस का दीजिए ना, आप दीजिए, 4 के तुलना मत कीजिए, अपना दीजिए आप। तो जो है ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं भी मोदी जी के टक्कर में नहीं है, और अगर मोदी जी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी जो है यहाँ भी सड़क पर हैं, उनको भी लाठियों से पीटा जा रहा है।